काला, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय पारंजीत, स्टारिंग रजनीकांत, नाना पाटेकर, हुमा कुरैशी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है धनुष ने। ये कहानी है मुंबई के धारावी की। बहुत साल पहले तमिलनाडु से मुंबई के धारावी में कुछ लोग आकर के बस गए थे, और उन्हीं में से एक होते हैं काला करिकालन, जिनके लिए धारावी के लोग मरने और मारने के लिए भी तैयार होते हैं। यानी उनको उस धारावी के एरिया का एक मुखिया की तरह दिखाया गया है। अब धारावी की इस ज़मीन के लिए कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, मनु बिल्डर्स और धारावी के ये लोग, इनके बीच की लड़ाई को फिल्म में दिखाया गया है। अब सरकार वहां पर धारावी के इन गरीब लोगों के लिए बिल्डिंग बनाकर देना चाहती है, उस एरिया को डेवलप करना चाहती है। लेकिन ये जो धारावी की गरीब जनता है, वो अपने आप को इस सरकार से इनसिक्योर फील करती है। उनको लगता है कि सरकार हमें धोखा देगी, और इसलिए वो अपनी ज़मीन सरकार के हाथों में नहीं जाने देना चाहते, और इसलिए वो वहाँ पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, और उनके इस लड़ाई को काला खुद लीड करते हैं। यानी कुल मिलाकर फिल्म में दो आइडियोलॉजीज़ की लड़ाई को दिखाया गया है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में फैमिली ड्रामा और रोमांस को दिखाया गया है, यानी काला, उनकी पत्नी सेल्वी, उनके तीन बेटे कथिरावन, सेल्वम और लेनिन, इन ये तीन बेटे उनके दिखाए गए हैं, और इनके बीच के फैमिली ड्रामा को फर्स्ट हाफ में ज़्यादा दिखाया गया है। लेकिन फिल्म के सेकंड हाफ में रिवेंज के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। ओवरऑल फिल्म मुझे बहुत स्लो लगी, और जिस प्रकार से जो कैरेक्टर्स हैं फिल्म के, उनके साथ हम इमोशनली जुड़ नहीं पाते हैं। हालांकि जो धारावी की गरीब जनता है, उनकी हालत देखकर सच में हमें दुख होता है, और लगता है कि उनके लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए। भले ही सरकार ना करे, अगर वो सरकार से इनसिक्योर फील करते हैं, तो खुद काला को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा मैं पूरी फिल्म के दौरान सोच रहा था कि चलो सरकार का वो विरोध कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन काला जो जिनकी जिनके लिए लोग वहाँ पर मरने और मारने के लिए तैयार है, वो काला खुद धारावी की इस जनता के लिए कुछ करेंगे, ऐसा फिल्म के एंडिंग में दिखाया जाएगा। लेकिन फिल्म का एंडिंग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है और निराशाजनक है। बहुत ही दुख होता है फिल्म का एंडिंग देखकर, जिस प्रकार से फिल्म का एंडिंग दिखाया है। मैं चाह रहा था कि भले ही सरकार ना करे, लेकिन काला खुद इस धारावी की गरीब जनता के विकास के लिए, उनका जीवन और बेहतर हो, इसके लिए कुछ करेंगे। लेकिन जैसे वो पहले थे, वैसा ही फिल्म के एंडिंग में उस धारावी की गरीब जनता को दिखाया गया है। ये बात सच में हमें बहुत दुखी करती है। रजनीकांत सर की फिल्म हमें उनकी पर्सनैलिटी के लिए, स्टाइल के लिए और डायलॉग्स के लिए ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला। यानी एक बहुत ही अलग ही चेहरा रजनीकांत सर का इस फिल्म में मुझे देखने को मिला। यानी जो मसाला फिल्म्स होती है, उससे बिल्कुल हटके ये फिल्म है। यहाँ पर जो जिस प्रकार से हम यूज्ड टू है रजनीकांत सर को देखने के लिए, ऐसा आपको इस फिल्म में कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। फिल्म में एक दो जगह पर एक्शन सीक्वेंसेस भी है, लेकिन उनको और अच्छी तरीके से शूट करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। नाना पाटेकर जी ने हरिदेव अभ्यंकर का कैरेक्टर निभाया है, यानी हरिदादा का, जो भगवान में बहुत ही विश्वास करते हैं, और उनसे मिलने के लिए जो भी जाता है, उसे दादा के पैर छूने ही पड़ते हैं। इस प्रकार का बहुत ही रूढ़ीवादी और क्रूर कैरेक्टर हरिदादा का फिल्म में दिखाया है। अगर बात करें हम नाना पाटेकर जी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसके पहले जितने भी फिल्मों में हमें उन्हें निगेटिव कैरेक्टर्स में देखा है, वहाँ पर जिस प्रकार से खुलकर उनका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है, जिसे हम रियल नाना कहते हैं, या जिसके लिए नाना पाटेकर जी को पहचाना जाता है, उस प्रकार का परफॉर्मेंस इस फिल्म में हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी इस कैरेक्टर में नाना पाटेकर जी मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहे थे। काला एक पॉलिटिकल ड्रामा है, साथ में ये फिल्म बहुत ही डार्क है, लेकिन इसके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ में हम इमोशनली जुड़ नहीं पाते हैं। कुछ जगह पर ये फिल्म हमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी लगती है, और फिल्म का एंडिंग एक हैप्पी वे में दिखाना चाहिए था, एक हैप्पी एंडिंग फिल्म का होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। अगर बात करें रेटिंग की, तो इस फिल्म को मैं रेटिंग नहीं दूंगा, क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं ठीक तरीके से समझ नहीं पाया। यानी वो धारावी की जनता का, या जो भी इस प्रकार से गरीब बस्तियों में जनता रहती है, उनका विकास वो किस प्रकार से करना चाहते हैं, ये वो ठीक तरीके से क्लियर नहीं कर पाए हैं। यानी डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ नहीं पाया हूँ, और इसलिए मैं बिना समझे फिल्म को रेटिंग नहीं देना चाहता हूँ। और वैसे भी रजनीकांत सर की फिल्म है, मैं बस इतना ही कहूँगा कि फिल्म ने मुझे निराश किया। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी, तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।